एसआरके म्यूजिक और ओमनाथ फिल्म्स के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म बिन तेरे ओ साथी रे का म्यूजिक भोजपुरी के तमाम बड़े सितारों के बीच लॉन्च हुआ, जहां पर तमाम बड़े बड़े भोजपुरिया स्टार मौजूद थे। तो वहीं इस फिल्म की बात करें तो यह एक रोमांटिक फिल्म है और इस फिल्म में गौरव झा और रितु सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं इस म्यूजिक लॉन्च पर इस फिल्म को लेकर भोजपुरिया कलाकारों ने क्या कुछ कहा। ये फिल्म हमारी म्यूजिकल लव स्टोरी है और इसमें मैंने कोशिश किया है कि दर्शकों तक अच्छी भोजपुरी सॉन्ग और एक अच्छा पारिवारिक स्टोरी लेकर के मैं उनके बीच तक आऊं। बस मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरे गानों को इतना लोग यहां पसंद कर रहे हैं। जब मैं मुंबई आया तो मुझे लोग कहते थे कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लील सॉन्ग चलते हैं और आपको बहुत परेशानी जाएगी अपने म्यूजिक को रिलीज़ करने में। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत भरोसा था कि मैं अगर अच्छा म्यूज़िक किया हूँ तो म्यूज़िक कंपनी वाले भी इस चीज़ को समझेंगे, और ये ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे एसआरके म्यूज़िक में आने का मौका मिला और बहुत सपोर्ट मुझे मिला एसआरके म्यूज़िक का, और इन्होंने इस म्यूज़िक को लॉन्च किया है इतने बड़े पैमाने पर। इस बात से मैं बहुत रोमांचित हूँ और बहुत खुश भी हूँ, और मैं लोगों को बस इतना ही इस मौके पर कहना चाहूँगा कि हमारे भोजपुरी का जो संगीत है वो बहुत समृद्ध है, और इसमें अश्लीलता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, आइए हम सभी लोग मिलके भोजपुरी पे ये जो अश्लील गानों का कलंक लगा है इसको धोएं, अच्छे संगीत को सुने, और अच्छे ताकि अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, अच्छे कलाकार, अच्छे गायक, ये सभी लोग आपके बीच में आ सकें। जैसे पूर्व में हमारे यहाँ भरत शर्मा व्यास जी, फिर शारदा सिन्हा जी, इस तरह के बड़े गायक जो एकदम साफ सुथरा गाते थे और भोजपुरी में इनके गाने आज भी अमर हैं, तो इन्हीं को मैंने ध्यान में रखते हुए इस बार इस तरह का म्यूज़िक दिया अपनी फिल्म में। खूबसूरत बनी है पोस्टर और कहानी भी बहुत अच्छी है, जितना खूबसूरत पोस्टर दिख रहा है उतनी अच्छी फिल्म भी है, और गाने तो आप सुन रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, बहुत ही स्वीट गाने हैं, और स्टोरी मतलब प्योर रोमांटिक फिल्म जो होती है वो है, कोई वल्गैरिटी नहीं फिल्म के अंदर, कोई डबल मीनिंग गाने नहीं, कोई गंदगी नहीं, क्लीन फिल्म है, और मैं ये चाहता हूँ कि ऑडियंस इसे देखे, पसंद करेंगे और प्यार दे बहुत सारा, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। पहले तो बताना चाहूंगी, हाय दिस इज ग्लोरी मोहंता, और आप जैसे देख रहे पोस्टर तेरे बिना वो साथी रे, इस फिल्म में भी मैंने आइटम सॉन्ग किया है, और ये फिल्म डायरेक्ट किया है गोपाल जी ने, और बहुत ही प्यारा फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, इनके गाने आप सुन सकते हैं, बहुत प्यारा है। उदित नारायण जी ने गाना गाया है जो टाइटल सॉन्ग है, और मेरा गाना भी बहुत प्यारा है, बहुत हटके है। भोजपुरी में जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों के हिसाब से मोटे मोटे आवाजें रहती हैं, वैसा नहीं है, प्रॉपर पतली आवाज और पतली लड़की ऐसे है, मतलब इंजॉय किया, इन शॉर्ट मैंने इंजॉय किया, बहुत डिफरेंट टाइप का है और बहुत स्वीट है, हिंदी टच है। ये मेरे दोस्त गौरव झा की फिल्म है जो अजय हीरो, उसमें अजय हीरो सोलो फिल्म कर रहे हैं, मतलब की रिलीज पे है, और ज़्यादा उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरे दोस्त की फिल्म है और बड़ा अच्छा काम किया उसने, मैंने इसका ट्रेलर देखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म गौरव के लिए बहुत बड़ी साबित हो, और मीना केसरी जो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा खर्चा करके फिल्म को बनाया है, गोपाल जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, बड़ा अच्छा डायरेक्शन किया उन्होंने, तो आप लोग सब मिला करके फिल्म बहुत अच्छी है, और अभी हम जैसे म्यूजिक लॉन्च हो रहा है तो गाना भी सुन रहे हैं, गाना भी काफ़ी अच्छा है, तो हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। गौरव झा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे आदरणीय दोस्त हैं, और मैं उनके लिए हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो साथी बिन तेरे सुपर डुपर हिट हो, मेरे और मेरे कंपनी जो एसआरके म्यूजिक मेरे बड़े भैया हैं उनके तरफ से भी तहे तहे दिल धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू। पहली बात तो जब आपने ऐसे सवाल किया तो तमाम शुभकामनाएं एसआरके को, एसआरके मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, सुधाकर जी मेरे साथ खड़े हैं, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, और एसआरके को बनाने में खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा एसआरके रोशन ने बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है, और राम मिश्रा जी हमारे इतने पुराने मित्र हैं, आज मुझे ऐसा लगा कि म्यूजिक लंच के साथ साथ हमारी लाइफ लंच दोबारा होगी। नहीं रहते हम लोग, मेरा पदार्पण भोजपुरी में कराने वाला ये शख्स है, पहली फिल्म किया तो आज इन्होंने कहा कि कर लो, मैं क्या भोजपुरी जाती है, अरे बोले सब आ जाएगा, एक्टर कोई जरूरी नहीं होता,
तो ये मेरे लॉन्चर है भोजपुरी के, और आज मैं कम से कम शायद 25-26 फिल्में कर चुका हूँ। तो मेरी तमाम शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ, इससे जुड़ी हुई तमाम कलाकारों के साथ। इस फिल्म के टाइटल ओ साथी रे, क्या बात है, लिरिकल टाइटल लगता है, और भगवान करे कामयाब हो, बड़ी कामयाबी मिले फिल्म को, फिल्म के कलाकारों को और एहसान की म्यूजिक कंपनी। और गोपाल जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया, ये म्यूजिक चलेगा तो लोगों को एक अच्छे म्यूजिक की तमीज होगी। यू सी ही इज सिंगर ऑल्सो, सिंगर ऑल्सो, टाइटल सॉन्ग मुझे मालूम ही नहीं था कि उसने गाया, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। वेरी हैप्पी और जस्ट वेटिंग कि ये मूवी रिलीज हो और दर्शकों तक पहुंचे, उनका आशीर्वाद मिले, उनका